हेलो स्टूडेंट, आज अपन डिस्कस करते हैं वेलोसिटी ऑफ साउंड। पहले तो कोई भी वेव मैकेनिकल वेव है उसका जो वेलोसिटी का फार्मूला है, वेलोसिटी ये होता है वी इक्वल टू रूट ई बाय रो। ये वेलोसिटी का जनरल फार्मूला है। ई है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रो है डेंसिटी। ठीक है, ये ई बाय रो फार्मूला होता है वेव का। जैसे साउंड का प्रोपेगेशन, अपन इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव का जो प्रोपेगेशन है, कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन फॉर्म में होता है। ये हो गया कंप्रेशन और ये दूर होना रेफ्रेक्शन है ना। कंप्रेशन रेफ्रेक्शन, कंप्रेशन और रेफ्रेक्शन। तो कंप्रेशन रेफ्रेक्शन का बनना और साउंड का प्रोपेगेशन का डायरेक्शन, दोनों की दिशा सेम है। तो न्यूटन ने माना था कि साउंड प्रोपेगेशन न्यूटन के अकॉर्डिंग, न्यूटन ने बोला था अकॉर्डिंग टू न्यूटन कि साउंड प्रोपेगेशन इज आइसोथर्मल प्रोसेस। न्यूटन का मानना था कि एक स्लो प्रोसेस है और हम इसको आइसोथर्मल प्रोसेस बोल सकते हैं। ये न्यूटन का था। न्यूटन ने इसको आइसोथर्मल प्रोसेस माना बिकॉज उसके अकॉर्डिंग साउंड प्रोपेगेशन एक स्लो प्रोसेस है। तो जो कंप्रेशन होगा और रेयरफैक्शन, मान लो रेयरफैक्शन में प्रेशर पी है, पी प्रेशर है और वी वॉल्यूम है ना। तो कंप्रेशन वाले पार्ट में जो आएगा, जैसे यहाँ पी और वी है, यहाँ पर पी प्लस डेल्टा पी हो जाएगा और वी माइनस डेल्टा पी हो जाएगा। पी प्रेशर वॉल्यूम वी है ना, फिर प्रेशर वहाँ पे पी प्लस डेल्टा पी वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा वी। यहाँ प्रेशर पड़ता है, वहाँ वॉल्यूम घट जाता है ना। तो ये नए प्रेशर वॉल्यूम होंगे इन दोनों में। बायस लॉ फॉलो करता है, बायस लॉ फॉलो करता है कौन, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग P1 V1 P2 V2 होगा है ना। तो नया ओल्ड पी वी ये है और यहाँ वाला हो जाएगा पी प्लस डेल्टा पी और वी माइनस डेल्टा वी। ये नए प्रेशर वाले हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो इनको अपन सिंप्लीफाई करें, P V P V P डेल्टा V डेल्टा P V माइनस डेल्टा P डेल्टा V, ये कैंसिल हो गया। और इसको नेग्लिजिबल मान लो, दिस इज नेग्लिजिबल, लिखना ही नहीं, छोड़ देना। तो पी डेल्टा वी, तो वी डेल्टा पी आ गया है ना। अब क्या है, अब लिख सकते हो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी, जिसका मतलब है डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी अपॉन वी। डेल्टा पी इज नॉर्मल स्ट्रेस और लिख देना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है
वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन होती है इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो बहुत अच्छी बात यह है कि न्यूटन ने बताया था कि इलास्टिसिटी जो है वो प्रेशर के बराबर होती है। ये नंबर टू दे दो और जो शुरू में क्वेश्चन लिखा था समझ ली। तो अब देखो इसका वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं। तो न्यूटन का फार्मूला बन गया फॉर वेलोसिटी ऑफ साउंड, v इक्वल टू रूट ई बाय रो के स्थान पे पी बाय रो। फिर न्यूटन में ने साउंड का स्पीड का फार्मूला साथ में उसका वैल्यू निकाला। प्रेशर 180 मिल गया, 1.013 टेन द पावर 5 पास्कल। डेंसिटी ऑफ एयर 1.293। पुट करोगे सॉल्व करने में 280 मीटर पर सेकेंड आएगा, जो कि सही नहीं है, एक्सपेरिमेंटली सही नहीं है, थ्योरेटिकली आया है। लेकिन उस समय जो एक्सपेरिमेंट हो रहे थे उसमें साउंड का स्पीड आ रहा था 332 मीटर पर सेकेंड। हमने देखा साउंड ने न्यूटन ने जो फार्मूला बताया था वेलोसिटी ऑफ साउंड का वी इक्वल टू रूट पी वाई रो, वो सही नहीं है, क्योंकि उसमें जो साउंड की स्पीड में जो वैल्यू आ रही 280 मीटर पर सेकंड है और सही वैल्यू 332 मीटर पर सेकंड एक्सपेरिमेंटली लाते हैं, तो दोनों में अंतर है। कोई भी थ्योरेटिकल रिजल्ट तब वेरीफाइड और सही माना जाता है जब प्रैक्टिकल रिजल्ट मैच करे। यहाँ एक प्रॉब्लम है, नहीं कर रहा। तो ये माना गया कि जो न्यूटन ने माना था, लाप्लास ने बताया कि साउंड प्रोपेगेशन आइसोथर्मल प्रोसेस नहीं बल्कि एक एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस जनरली फास्ट होती हैं और फास्ट प्रोसेस साउंड का प्रोपेगेशन भी है। साउंड का प्रोपेगेशन एक फास्ट प्रोसेस है, इतना वक्त नहीं होता कि प्रोड्यूस हीट बाहर चली जाए और बाहर की हीट अंदर आ जाए, इसलिए इसको एडियाबेटिक प्रोसेस माना। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो एडियाबेटिक प्रोसेस में पी वी गामा कॉन्स्टेंट होता है, प्रेशर इंटू वी का प्रोडक्ट और गामा, ये कॉन्स्टेंट होता है। अब हम लिख सकते हैं पी वन वी वन गामा, पी टू वी टू गामा। एक बात और, गामा क्या है? गामा इज रेशियो ऑफ टू स्पेसिफिक हीट। हर गैस के लिए इसका वैल्यू अलग अलग होता है। मोनो के लिए इसका वैल्यू होता है 1.6 और डाई के लिए होता है 1.4 इस तरह से, और ट्राई के लिए 1.33 है ना। इसका वैल्यू अलग अलग होता है, मोनो एटॉमिक गैस के लिए अलग, डाई एटॉमिक गैस के लिए। थर्मोडायनेमिक्स अपन पढ़ा, ये चीज़ें। अभी इसमें आते हैं कि प्रेशर वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम। तो रिएक्शन के दौरान जो पी वी का प्रोडक्ट है, जब कंप्रेशन होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा पी प्लस डेल्टा पी, और वॉल्यूम वी माइनस डेल्टा वी, ऐसा ठीक ये होगा। तो लाप्लास के अकॉर्डिंग ये थ्योरी चल रही है अभी, पी वी गामा, पी बाहर निकाल लो, 1 प्लस डेल्टा पी अपान पी, वी गामा बाहर निकाल लो, 1 माइनस डेल्टा पी अपान गामा, इनको कैंसिल कर दो, 1 इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा पी अपान पी और 1 माइनस बाइनोमियल थ्योरम जानते होगी, एक्सपांसन गामा सामने आ जाएगा, डेल्टा अपन वी क्यों लगा दिया, क्योंकि डेल्टा वी अपन वी स्मॉल है और जो स्मॉल होता है तो उसमें अपन लगा सकते हैं, है ना। तो 1 लिखा, 1 इंटू 1 1 1 गामा डेल्टा वी अपन वी, डेल्टा पी अपन पी गामा, डेल्टा पी अपन पी, डेल्टा वी अपन वी, अपन इतना लिख लिया ठीक है। अब देखो इसमें 1 1 कैंसिल हो जाएगा, गामा डेल्टा पी अपान वी, डेल्टा पी अपान पी
इसको नेगलिजर मान लो, है ना, नेगलिजर। क्वांटिटी है ना, इसको हमने इतना मान लिया कि छोड़ दिया। अब छोड़ देने से क्या होगा, यहाँ कर देते हैं गामा डेल्टा वी अपान वी, डेल्टा पी अपान पी आएगा, और जिससे गामा पी एस डेल्टा पी अपान डेल्टा वी अपान पी ले सकते हैं, है ना। गामा पी इज ई मीन्स ई इक्वल टू गामा पी, ये लाप्लास का कहना था, है ना। इसको लाप्लास करेक्शन में ई का वैल्यू गामा पी आया, जबकि न्यूटन में प्रीवियस आया था। अब तो साउंड की स्पीड का जो मेन फार्मूला है इलास्टिक मीडियम में, उसका जो अपन ने ई वाय रो लिखा था ना, उसके स्थान पे क्या रखना चाहिए, गामा पी वाय रो। अब गामा का वैल्यू 1.6 लिख रहा है, ठीक है, 1.4 बिकॉज ईयर को मिक्सचर ऑफ डायटोमिक, सिंस ईयर इज डायटोमिक गैस, मिक्सचर ऑफ डायटोमिक गैस है ना। ईयर क्या है, जैसे N2O2 है ना, ये सब है। CO2 ट्राइटोमिक जरूर है, देखिए उसका स्ट्रक्चर लीनियर है, तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे हम आगे या देख लें पुराने वीडियो में, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ही होती है, जैसे इन सब की होती है। तो कुल मिला के गामा का वैल्यू इन सभी के लिए 1.4 है, ठीक है, N2O2 CO2 सब के लिए। तो यहाँ पर आ जाते हैं, गामा 1.4 लेना है, प्रेशर 1.013 × 10⁵ pascal और डेंसिटी 1.293 सारी वैल्यू रखोगे एग्जैक्ट, याद है। और इस तरह से लाप्लास का जो फार्मूला है ये ही फाइनल सही फार्मूला माना गया फॉर द वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल इसमें मैच हो रहा है। आज से अपना वेव ऑफ साउंड वेव चालू हो गया, इसी को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, देख लेना, ओके।